वेलकम टू मम्मा बीटी और लाडो के ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, थोड़ा थोड़ा बिजी चल रही हूँ। एक तो नवरात्रि, ऊपर से मेरा गला इतना ज़ोर से बैठा हुआ था कि बीच में फिर से ठीक हुई थी, फिर से ख़राब हो गया था। तो बस यही चल रहा है। और मम्मी भी जाने वाली है हरिद्वार, तो मैं ये आपको बताने वाली थी इनफैक्ट कि मम्मी हरिद्वार जा रही है। और जैसे लास्ट ईयर आपने देखा था छठ, वैसे ही फिर से मनाने वाले हैं हम छठ। तो हरिद्वार हम आपको फिर से ले चलेंगे, हरिद्वार घुमाएंगे। और आज जिसने लास्ट ईयर का हरिद्वार का ब्लॉग नहीं देखा है, प्लीज़ जाके देखो लास्ट ईयर का छठ का, जो हमने मस्ती किया था, मम्मी ने हरिद्वार घुमाया था, जहाँ हम रह रहे थे वो घुमाया था, फिर से हम रहने वाले हैं। तो एक नई मस्ती के साथ एक नई ब्लॉग लेके आएंगे हम हरिद्वार का। तो हमारे ब्लॉग्स को देखते रहो, और जिसने अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी 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 सब्सक्राइब करो। खाली देखने से नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करोगे तभी आपको पता चलेगा हम कौन से ब्लॉग्स कब कब डालते हैं। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाओ। तो आज स्पेशल है नवरात्रि, तो आई एम श्योर सबके घर में बहुत अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, घर पे कर रहे होंगे, बाहर जा रहे होंगे, घूम रहे होंगे, पंडाल जा रहे होंगे, मूर्ति देख रहे होंगे। तो ये दिन ही ऐसा है। लास्ट ईयर हम उड़ीसा में थे, तो उड़ीसा बंगाल ये साइड में तो बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, बट मुंबई भी कम नहीं है नवरात्रि मनाने में। बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, यहाँ पर भी डांडिया होते हैं, यहाँ पे भी हमारे एग्जॉटिक का जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी डांडिया बहुत अच्छे से हो रहा है, बट मैं नहीं जा पा रही हूँ स्पेशली डांडिया के टाइम पे रात को। बट वैसे ही घूमते फिरते चले जाते हैं, घूम के आते हैं, पंडाल घूम के आते हैं। यशवी ने कल बहुत मस्ती किया, बहुत सारे बच्चों के वहाँ पर खेलने के लिए बहुत कुछ था, तो बहुत ही मस्ती किया। आज मैं जा रही हूँ आपको ले कर फिर से, तो आपको दिखाऊँगी कि क्या है पंडाल में, क्या हो रहा है, कैसी मूर्ति सजा है, क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके जाऊंगी एक बर्थडे पार्टी में। यस, तो एक यशवी का फ्रेंड है ओम, आपने देखा ही होगा कुछ ब्लॉग्स में, जिमनास्टिक में भी है। तो ये है क्यूट सा बच्चा ओम। Yeah।
एरोप्लेन वो टॉय ये सभी खाने का नहीं है। आपने देखा ओम का बर्थडे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का हमारे एक्सोटिका के सामने जो पंडाल लगा है नवरात्रि में, तो वहाँ आपको ले चलते हैं। चल Look here, boys. Smile. Watch us. इधर मत देख. आई शुड. आओ. बोल. ये. कार देखो इसका बटन को चल नहीं।
रहा ये तो ये इसके अंदर स्टक हो गया। ओके अभी इसको चलाओ। देख के पीछे गिरोगे। वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि। आज है अष्टमी, तो कल आपने देखा ही कितने अच्छे से यहाँ पे सप्तमी सेलिब्रेट हुआ, नवरात्रि सेलिब्रेट हो रहा था। तो मैं सोची कि ब्लॉग नहीं अटेंड करती हूँ, अष्टमी का आपको पूजा दिखाती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है आज, और फिर करेंगे ब्लॉग एंड। फिलहाल के लिए मैं और यशवी जा रहे हैं पंडाल फिर से मस्ती करने। पापा उसके बैठ के ऑफिस कर रहे हैं, तो फिर से चलते हैं। कल यशवी ने ये टॉय खरीदा था, आपको दिखाया था, तो आज अपने साथ लेके चल रहे हैं। देखो कैसे चलते हैं। वाओ, चले हम। हाँ। पंडाल चले। हाँ चलो लेट्स गो, हम लोग आपको दिखाएंगे। चलो हाय बोलो। चलो तुम भी आ जाओगी। सुबह कभी किया था। यहाँ लग रहा है मेहंदी, इसकी मधु आंटी लगा रही है। मेरी कंजका को लगा रही हूँ, छोटी कंजका को, और एक वो तो लेडी कंजका का चार और इसको ले गया था। पूछना नहीं इसको, पूछना नहीं यशवी। ओके करना है थोड़ी देर, उसके बाद आप उसको बोल सकते हैं। अरे दिखा इसके ऊपर तेल लगेगा ना, कौन सुंदर दिखेगा। তবে তাই হবে, তোমার গৃহে আমি কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করব, কিন্তু
সে পরিচয় তুমি ক্রমশ বিস্মৃত হবে। বিস্মৃত হয়ে দুঃখ নেই, কিন্তু কিন্তু তুমি আমার ঘরে এসো মা। তথাস্তু। रहा आज का दिन भी, आपको सप्तमी दिखाया, अष्टमी का नवरात्रि दिखाया है और बहुत ही मज़ा आया आज। कितनी सुंदर से डेकोरेशन हुआ, कितने सुंदर से मूर्ति सजाया गया था, आपने देखा ही। और पूरी तैयारी जो आप देखे थे, जहाँ पे पंडाल मैंने दिखाया, वहाँ जहाँ पूजा चल रहा था, वो मेरी फ्रेंड है एक्चुअली मोंटी, वो और उनका पूरा फैमिली मिलके ही ये पंडाल लगाए थे, मूर्ति लगाए थे। तो बहुत ही अच्छा लगा देख के, इतनी अच्छी से तैयारी किया था इन्होंने, बहुत भीड़ थी, तो बहुत ही मज़ा आया। और आशा है आप लोग को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर मम्मी निकल रही है हरिद्वार, आपको पता ही है लास्ट ईयर जैसे हमने छठ किया था हरिद्वार में, इस बार भी हमारा प्लान है छठ करने का और आपको अपने साथ रखने का हरिद्वार में पूरे टाइम। तो मैं वहाँ पे भी ब्लॉग बनाती रहूँगी। तो आप जिस जिसने लास्ट ईयर का ब्लॉग नहीं देखा है ना, प्लीज़ आप लोग देखो, तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या किया था छठ में। हरिद्वार का आपको पूरा जर्नी दिखाया था, ज़रूर जाके देखना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी लास्ट ईयर का, लेकिन इस ईयर भी आपको हमारे साथ रहना है। इस ईयर तो हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स भी बड़े हैं, तो हम चाहते हैं हमारे सारे सब्सक्राइबर्स बने रहो। जो नॉन सब्सक्राइबर है, जो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ 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 जल्दी से सब्सक्राइब करो। ये एक फैमिली ब्लॉग है, एक लाइफ स्टाइल ब्लॉग है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि अपने डे टू डे चीज़, मस्ती हंसी सब कुछ दिखा सके, तो वही कोशिश करते हैं आपको हंसाने का। जाकर मम्मी, इस मम्मी के घर से वापस आने के बाद मुझे जाना है अपनी फ्रेंड के घर, वहाँ पे कन्या पूजन है, तो यशवी को बुलाया गया है, आपको भी लेके चलूँगी। तो कल भी बने रहना हमारे साथ। फिलहाल करती हूँ मैं गुड नाइट और सोने की तैयारी। तो गला मेरा लिटरली बैठ चुका है, क्योंकि ऐसे ही मेरे गले ख़राब थे और आज मेरी फास्टिंग है, कल भी मैंने फास्ट रखा है, तो आज मैंने लस्सी पी लिया है रात को, तो फिर से गले की लग गई है बैंड, बज गई है बैंड, लग गई नहीं है। चलो फिर मिलते हैं कल नए एपिसोड में नए कंटेंट के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब्बाख, गुड नाइट।